आपका क्वेश्चन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट, है ना। तो इसमें देखो क्या बोला है, इसमें क्या बोला है, जस्ट हम एक पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर फिगर, नाउ वी हैव टू मेक अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स इट कंटेन्स ऑफ फोर साइड्स, दैट इज योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन अ सर्कल, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो कैसे बना दिया, लाइक दिस, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी बना सकते हैं इसको। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ये आपका सी हो गया, एंड दिस इज योर डी, ठीक है। नाउ तो सेंटर आपका देखो कहां पर आ रहा है, समवॉट हियर, तो दिस इज योर सेंटर। नाउ यू हैव टू मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच कॉर्ड, ठीक है। नाउ तो वो देखो आपका कैसा बनेगा, कॉर्ड से ये देखो सेंटर से कॉर्ड है ना, तो कॉर्ड के बीच में आपने एक लाइन बनाई जो यहां पर आपका 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। एवरीवेयर यू हैव टू मेक लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, नाउ हियर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। नाउ तो दिस इज योर सेंटर, दैट इज योर ओ। नाउ तो आपका क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें इसमें है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट, यस वी कैन सी। कैसे, आप देखो सपोज हमने इसको लिख दिया सी डी, ये ई हो गया आपका, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया। तो नाउ वी कैन से आप एक एक पार्ट ले लो, वन वन पार्ट। तो ओ ई इज परपेंडिकुलर टू डी ए, है ना, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स इट विल ऑल्सो डिवाइड डी ए इंटू टू इक्वल हाफ्स, तो आपका आ जाएगा डीई बाई ई ए, डीई इज इक्वल टू ई ए, दोनों आपका इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब देखो ओ एच को ले लो, तो ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड क्या हो जाएगा, बस बाइसेक्टर भी है वो, तो ए एच इज इक्वल टू एच बी, है ना। नेक्स्ट पार्ट आप इस साइड से ले लो, ओ एफ, तो ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है। नाउ ये ले लो ओ जी, ओ जी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एंड क्या हो जाएगा आपका, सी जी इज इक्वल टू जी डी। नाउ अब आप इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर एवरीवेयर ओ इज देयर, है ना, ओ एंड ओ, दैट मीन्स अब आपका ये क्या कर रहा है, ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर पासिंग थ्रू ओ, ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर पासिंग थ्रू ओ, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग क्या कर रहा है, देखो सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या कर रहे हैं हमारे, दे आर फॉर्मिंग 90 डिग्री एट द साइड्स, फॉर्म्स
90 डिग्री एट साइड्स, और क्या कर रहे हैं, दे आर बाइसेक्टिंग एवरी साइड इंटू टू इक्वल हाफ्स। बाइसेक्टिंग ईच साइड्स, है ना? नाउ, तो अगर आपका एवरी बाइसेक्टर इज डूइंग द सेम वर्क, सेम थिंग, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रेंट। यस, देयरफोर वी कैन से ओ एच इज कॉन्ग्रेंट टू, इज कॉन्ग्रेंट टू OF, is congruent to OE, is congruent to OG, ठीक है? तो ये क्या है, आपके congruents हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी bisector है, they are doing the same work, ठीक है?